तो इस बेटी के लिए इस देश का सारा आसमान दे दिया जाएगा। इस बेटी को दे दिए जाएंगे वो सारे सपने जो हिंदुस्तान की छोटी सी नन्ही सी बच्चियों ने देखे हैं। इस बेटी का चेहरा अब लगेगा देश की दीवारों पर। लोग सलाम करेंगे उस बिटिया को जो भारतीय वायुसेना में इस बार अपने पंखों को फैलाकर देश के नभ को निहारने चली है। मिर्जापुर की सानिया की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है उन तमाम सपनों की जिसके लिए इंसान अपनी जिंदगी में बेशुमार मेहनत करता है। मिर्जापुर की सानिया इस बार एयरफोर्स की वो पहली महिला पायलट हैं जो इस बार मुल्क की शान में नभ में उड़ाएंगी सुखोई, राफेल और मिग जैसे विशाल विमान। और ये बताएंगी कि अगर सपनों की उड़ान ऊंची हो तो दुनिया का हर आसमान छोटा पड़ जाता है। मिर्जापुर के जसोल गांव में रहने वाले शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा, अगर उपलब्धि की बात करें तो सानिया ने इस देश में एनडीए की परीक्षा में 149वां रैंक हासिल किया है। लेकिन सानिया एक जमाने में इंजीनियर बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि इंजीनियरिंग की एक मामूली सी नौकरी कर ली जाए, परिवार का भरण पोषण करने भर का पैसा हो जाए। लेकिन रास्ता बदल दिया अवनी चतुर्वेदी ने, एयरफोर्स की वो पायलट जिसने इस देश के आसमान को अपनी मेहनत और तकदीर के बल पर छोटा कर दिया था। सानिया ने अवनी दीदी का हाथ थामा और ऐसी उड़ी कि इस बार देश की दूसरी ऐसी पायलट बनी जो महिला है और सुखोई जैसे विमान उड़ाएंगी। दूसरे अटेम्प्ट में एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई करने वाली सानिया मिर्जा हिंदी मीडियम से पढ़ी है। वो मिर्जापुर की रहने वाली हैं और उनके पिता शाहिद अली यहाँ पर एक मामूली टीवी मैकेनिक है। लेकिन एक टीवी मैकेनिक की बिटिया से सुखोई के कॉकपिट तक का सफर, स्ट्रगल और मेहनत कोई एक चीज पैरा नहीं होता जिसको मैं यहाँ पे पढ़ सकूं। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए आपको डेडिकेशन और हार्डवर्क करना पड़ता है। ये वो चीज है जो आप मिटा नहीं सकते। अगर आपने कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखा है तो बिना हार्डवर्क के वो कम्प्लीट नहीं होगा। यस आई एग्री, देयर इज अ लक इज समथिंग, यस आई एग्री लक इज समथिंग, बट विदाउट हार्डवर्क नथिंग यू कैन डू। सो हार्डवर्क तो in all cases it is required, not only in studies, even in every field। आप कुछ भी कर रहे हो, study कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा business कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, आपको हर चीज की planning, hard work, dedication रखना पड़ता है। सानिया ने ये बताया है कि ये देश है उम्मीदों का, शक्तियों का, शक्ति के साहस का और उन बेटियों का जिन बेटियों ने अपनी मेहनत के बल पर इस ब्रह्मांड में हिंदुस्तान की तिरंगे को बुलंद किया है। सानिया जैसी बेटियां मिसाल हैं इस देश के लिए, उस देश के लिए जिस देश ने कल्पना चावला को दिया, सुनीता विलियम्स को। और इस बार इस कहानी में एक और अध्याय जुड़ रहा है। नाम नोट करिए, सानिया मिर्जा। पता, जिला मिर्जापुर, प्रदेश उत्तर प्रदेश, और मुल्क हिंदुस्तान जिसका झंडा तिरंगा है इस देश के आसमान पर लहराने को तैयार। सानिया की कहानी मिसाल है इस देश के लिए, जिस देश ने शक्ति की पूजा की है, जिस देश ने उठाए हैं दुआओं में हाथ, इसलिए कि इस देश की बेटियां एक रोज मजबूत हों और दुनिया में अपनी ताकत का एहसास दिलाएं। अमेरिका में कमला हैरिस जैसी बेटियां इस देश को बुलंद करती हैं। इस बार इस तारीख में एक और नाम जुड़ा है, सानिया मिर्जा। आने वाले वक्त में इस देश की बेटियों को उस आसमान की ताकत दिखाएंगी जिसमें उनका जहाज उड़ेगा और ये बताएगा कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई आसमान ऊंचा नहीं होता। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।